तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। रिसेंटली उत्कर्ष सिंह नाम का एक जर्नलिस्ट एल्विस यादव के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया क्योंकि गलती से एल्विस यादव उनका नंबर लीक कर दिया था। तो उसी के बारे में एल्विस यादव उनके रिसेंट ब्लॉग में बात किया जहां पर उत्कर्ष सिंह को रिप्लाई करते हुए कुछ यह कहा। सफाई करते हैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार है जो हमारे, एक लेटेस्ट न्यूज आई है भाई जी कि एक सो कॉल्ड पत्रकार है, पता नहीं किसने सर्टिफिकेट दिया उसको पत्रकार होने का, खुद ही दे दिया होगा शायद अपने आप को कि फेक पत्रकार। ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑन मी, अ पुलिस कंप्लेंट ऑन मी कि एल्विस यादव ने मेरा नंबर लीक कर दिया और बहुत सारे लोग मेरे को थ्रेट दे रहे हैं, मेरे घर वालों को ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे को, ऐसे पुलिस कंप्लेंट उसने अपने ट्वीट पे करी है। मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई क्या होती है, ये जो पत्रकार होते हैं ना, मतलब जो अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड पत्रकार होते हैं यार बेचारे, मुझे बहुत दया आती है इन पे यार, खासकर जिसने मेरे पे पुलिस कंप्लेंट करी है ना। बहुत मुश्किल से इस बेचारे का घर चल रहा था, उसके बाद इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एल्विस का नाम लेके थोड़ा सा फेमस हो जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डाली मेरी रिकॉर्डिंग की जिसमें मैंने इसको एक आधी सुना दिया, मैं भड़काएगा मेरे को, मैं तो ये वो समझ रहा अपना आपको तो समझ रहा कि मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, मेरे को भड़काया, मैंने गाली बक दी। दूसरी बात ये पता लग गई, डीसीपी ईस्ट गुड़गांव ने बोल दी कि भैया एल्विस यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, उसका नाम ड्रैग करना छोड़ दो। उसके बाद भी ये और भी बहुत सारे फेक पत्रकार, कुणाल कमरा, बहुत सारे, मैं इनका नाम क्या लूँगा, परली साइड के लोग जो मेरे अगेंस्ट में हमेशा थे, मैं चाहे सही भी बोलूँ वो लोग तब भी मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहे गलत बोलूँ तब तो करते ही हैं, पहली बात तो मैं गलत बोलता ही नहीं। इसने भाई मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, तुम सोच नहीं सकते, झूठे इल्जाम अगर किसी दिन तुम पे लगेंगे ना और सोशल मीडिया पे तुम ट्रेंड करोगे झूठे इल्जाम के लिए, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई क्या बीतती है इंसान पे, क्योंकि मैं कोई रोबोट या मशीन तो हूँ नहीं, पत्थर तो हूँ नहीं कि भाई हमें बुरा नहीं लगेगा कि कोई भी मेरे को आके, कोई भी टटपूंजी आके घर आए गमला चुराए, सारे गमरा सिर में फोड़ दूंगा मजाक से हटके, ठीक है। ये अब तुम्हें इस साउंड कर रहा होगा एल्विस यादव में तो घमंड आएगा, घमंड नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो गमला चोरी के ऊपर फालतू फंड की बकवास कर रहे हैं ना, दो चीज़ें कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे सिर में गमला फोड़ सकता हूँ मिनट से पहले, कोई फर्क नहीं लग रहा मेरे तो फालतू बोलो, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा आगे। दूसरी चीज, इस सेल्फ क्लेम्ड पत्रकार ने बहुत सारी चीज़ें बोली, पता लग गया कि पुलिस ने बोल दिया कि भैया कोई वो नहीं, उसके बाद भी झूठे इल्जाम क्यों, ताकि इसको थोड़ा सा फेम मिल जाए। चलो मैं खुश हूँ, मेरी वजह से किसी के घर में रोटी चल रही है, किसी की बीवी पल रही है, किसी के बच्चे पल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं अपना नाम बदनाम करके किसी घर में रोटी नहीं देना चाहता, रोटी खोस लूंगा उल्टी। नेक्स्ट न्यूज UK07 राइडर के बारे में। UK07 राइडर के न्यू सॉन्ग साहिबा 2 पे 1 मिलियन कॉमेंट हो गया है, उसी के ऊपर UK07 राइडर का रिएक्शन कुछ यह था। 1 मिलियन कॉमेंट भाई साहब, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस, ब्रो सेना को आज तक जो रिकॉर्ड दिए ना सारे तोड़े। आई एम सीरियसली हैप्पी गाइस कि यू मेड इट पॉसिबल एंड यू मेड द रिकॉर्ड। हमारी इंडिया में 2 वीडियोस टॉप 10 में गाइस, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जो मोस्ट एवर कमेंटेड म्यूजिक वीडियो है, एंड शुक्रिया साहिबा को इतना पसंद करने के लिए। मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम पे, बट सच्ची में गाइस मैं जो सो के उठा और उस वीडियो में 1 मिलियन कॉमेंट देख रहा हूँ ना, बता भी नहीं सकता हूँ, एक टाइम में व्यूज नहीं आते थे इतने जितने आज आप लोग कमेंट कर रहे हो। UK07 राइडर का बात चल रहा है तो बात कर लेते हैं सम्राट भाई के बारे में। रिसेंटली सम्राट भाई UK07 राइडर के साथ एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर उन दोनों ने एक दूसरे को रोस्ट किया, तो उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। तो इनके यार मैंने देखा तुम काफी ज्यादा कार्स खरीदते हो, बाइक्स खरीदते हो और उनके रिगार्डिंग ब्लॉग बनाते हो, राइट? मतलब मैं हर माइलस्टोन पे कुछ ना कुछ बाइक या कार खरीदता रहता हूँ। अंदर से अच्छा तो लगता होगा इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स खरीदना, कार खरीदना, मतलब मेहनत से कमाया है तो, और शो ऑफ करके लोगों को इंस्पायर करना। तो यार यू के शायद तुमको पता नहीं, तुम टिकटॉक वगैरह चलाते थे क्या? मतलब मैंने चलाया नहीं कभी, बट वो सुना था मैंने जब वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था। अच्छा, टिकटॉक में एक टीम हुआ करती थी जिनका नाम था Team07, और वो भी अपने नाम के पीछे 07 लगाते थे उनके सारे क्रिएटर। हाँ सही, मैं सुना तो था उनके बारे में, उनके बारे में सुना था। तो तुम्हें कैसा लगता है 07 वाले सेकंड बॉस क्रिएटर होकर? सम्राट भाई आपको कैसा लगता है वर्ल्ड सेकंड अनफनीएस्ट रोस्टर होने में? सेकेंड तो फिर तुम्हारे सबसे पहला कौन है? लक्ष्य चौधरी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले ये रोस्ट यहीं तक मैं डन कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। ठीक है लक्ष्य, बुरा मत मानना, वैसे तो तेरे को पीड़ना है बट किसी और दिन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी उनके रिसेंट ब्लॉग में उर्फी जावेद के बारे में बात किया। लक्ष्य चौधरी उर्फी जावेद के बारे में क्या कहा आप लोग खुद देख लीजिए। बता दीजिए, अभी एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने जिक्र किया भाई का, झूठ बोल रहे।
कितने हैं फिर तो मैं नहीं जानती. I mean, इन्हें कह दिया था जानती नहीं. लक्ष्य जो आई हैव नो आई नो आई हैव स्पोकन टू लक्ष्य. ओके ही हैज रोस्टेड मी. इसने लड़के ने उर्फी को कह दिया कि एक लक्ष्य चौधरी ब्यूटी पार्लर से तुझे रोस्ट किया. उर्फी मान नहीं एंड तक कह रही कर ही नहीं सकता मुझे. अगर कर दिया होगा तो कुछ अच्छा ही किया होगा. ट्रस्ट अलग लेवल का है यार. सुन दो मैं बता रहा था एक बार उर्फी 100K to 200K होंगे उर्फी के उस टाइम पे जब पहली बार उर्फी ने मुझे टेक्स्ट किया था. किस मैं भूल गया किस वीडियो पे किया था. खूब बड़ा सा मैसेज. फिर जब धीरे धीरे उर्फी ग्रोन लगी तो फिर मैं भी मैं टेक्स्ट करने लगा. मैं बात बना के देखो पर वो अलग बात है कि मैं उसे फॉलो नहीं करता हूँ. मुझे फॉलो नहीं करती. तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.